गुरु 20 अगस्त 2024 को वृश्चिक नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। शाम को 5:22 पर ये मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर ये 28 नवंबर 2024 तक रहेंगे। गुरु जब वृषभ राशि में मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब ये किस तरह से प्रभाव देंगे, इस विषय पर बात करूंगी आज मैं आप लोगों से। देखिए, गुरु बड़े ग्रह हैं और बड़े शुभ ग्रह हैं। ये जब किसी राशि में जाते हैं और उस राशि के किसी नक्षत्र में जाते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गुरु कारक होते हैं संतान, भाग्य, धन, पति। जीवन का जितना भी सौभाग्य होता है वो सब कुछ गुरु के पास ही है। पांच भाव के कारक होते हैं, एक जगह बैठते हैं, तीन जगह दृष्टि डालते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ये नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो क्या इनका प्रभाव बदलता है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अभी तो गुरु बैठे हुए हैं वृषभ में और इनके साथ में मंगल भी हैं, और जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 20 अगस्त को तो करीब 6-7 दिन तक वहां पर मंगल भी रहेंगे। उसके बाद मंगल वृषभ से निकल करके चले जाएंगे मिथुन राशि में और गुरु अकेले रह जाएंगे वृषभ राशि में। तो जब गुरु वृषभ में रहेंगे, जो कि धन की राशि है, परिवार की, कुटुंब की, व्यक्ति की जो वाणी है, बोलचाल है, उन सब चीजों की राशि है वृषभ। और ये जो नक्षत्र है मृगशिरा, ये मंगल का नक्षत्र है। ये बड़ा अच्छा नक्षत्र है, बड़ा मृदु नक्षत्र है, बहुत ही सॉफ्ट, जिसको बोलते हैं ना कि बड़ा सौम्य, बड़ा प्रिय सा नक्षत्र है। और गुरु वो खुद भी धर्म है, भाग्य है, ज्ञान है, और हर एक तरह की जो संपन्नता होती है, जो एक जीवन की खुशहाली होती है, वो सब कुछ गुरु है। अपने मित्र के नक्षत्र में, वो भी इतने सौम्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर गुरु मंगल का प्रभाव देना शुरू करेंगे, मतलब कि मेष राशि और वृश्चिक राशि को वो एक्टिवेट कर देंगे। और मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा है, किसी भी चीज को जो करने की शुरुआत होती है वो मंगल है। मंगल से हर एक तरह का जो प्रशासन होता है, काम करने की क्षमता होती है, व्यक्ति के अंदर का जो उत्साह, ऊर्जा, वो सब कुछ मंगल है। और गुरु ज्ञान है, विजडम है, बुद्धि है, और बड़े शुभ ग्रह हैं। अपने मित्र के नक्षत्र में ये बहुत अच्छे स्थिति में होंगे। इसके पहले ये रोहिणी के नक्षत्र में थे, वो भी अच्छा नक्षत्र नक्षत्र था गुरु के लिए। अब ये सेनापति मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। देखिए, मृगशिरा नक्षत्र बहुत ही सुंदर नक्षत्र है और इसका जो कुछ हिस्सा होता है वो वृषभ राशि में पड़ता है। इसके जो दो चरण होते हैं वो वृषभ में पड़ते हैं और जो दो चरण होते हैं वो मिथुन में पड़ता है। तो यहाँ पर जब ये रहेंगे 20 अगस्त से लेकर के 28 नवंबर 2024 तक, इसी में ये वक्री भी होंगे। तो वो वक्री भले ही होंगे लेकिन काम तो उनको मृगशिरा के अंदर ही रह के करना है। तो यहाँ पर उन सब लोगों को बहुत अच्छे लाभ हो सकते हैं जिन लोगों के लिए मंगल भी योग कारक है और गुरु भी योग कारक है, मतलब कि मेष राशि हो गई और सूर्य की राशि सिंह हो गई, कर्क है और सिंह है, धनु है, मीन है, मतलब कि जहां पर ये दोनों ही ग्रह जो होते हैं लग्नेश के मित्र होते हैं या स्वयं लग्नेश होते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही एक्सीलेंट ये टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन जो बाकी राशियां भी हैं, चूंकि गुरु शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और कालपुरुष में ये भाग्य और मोक्ष की राशियों को लेकर के चलते हैं, तो ऐसे में इनका धन की राशि, परिवार की राशि, कुटुंब की राशि में आ करके और मंगल के नक्षत्र में, वो भी मृदु नक्षत्र में जाना, मतलब अब यहाँ पर गुरु अपने ज्ञान का उपयोग और भी अच्छे से करेंगे, मतलब कि चूंकि ये नक्षत्र बड़ा अच्छा है तो गुरु यहाँ पर खुल करके काम करेंगे। काम किसके लिए करेंगे? हर एक व्यक्ति को धन देने के लिए, उसके जो पैतृक संपदा होती है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी विजडम, उसका जो रिसर्च है, उसका जो ससुराल पक्ष है, या उस व्यक्ति की जो ओवरऑल व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है,
यहाँ पर मेष राशि एक्टिवेशन में आएगी, तो बहुत अच्छा ये रहेगा। और सभी लोग यहाँ पर गुरु को और मंगल को और भी बल दे सकते हैं। बल इसलिए दे सकते हैं क्योंकि काम करना है गुरु को यहाँ पर मंगल के कंट्रोल में रह करके, वृश्चिक नक्षत्र के कंट्रोल में रह करके। तो अगर आपका मंगल अच्छा रहेगा, अच्छे स्थिति में रहेगा, तो गुरु और भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि जिन लोगों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा में कहीं पर भी मंगल ग्रह रहा होगा, गुरु ग्रह रहे होंगे, उन लोगों को इस नक्षत्र परिवर्तन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अपने नेटल चार्ट को आप जरूर देखिएगा। और ये ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा, ट्रांजिट में ग्रहों के जो भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनका भी जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो बहुत नॉमिनल होता है। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली में जो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है, और इसी के साथ यही सारे प्लैनेट गुरु मंगल आपके नेटल चार्ट में जिस भाव में बैठे हुए हैं वो हाउस एक्टिवेट होता है, उधर से रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं। इस तरह से आप इसको समझिएगा। और मृगशिरा नक्षत्र जो है बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है। ऐसे जो जातक होते हैं बड़े बहुत बड़े बड़े अच्छे से होते हैं, अच्छे से इन द सेंस की बड़े बहुत उनका नेचर बड़ा अच्छा होता है, जबकि ये मंगल का नक्षत्र है, जो कि ये सौम्य नक्षत्र है ना, मृदु नक्षत्र है, मित्र नक्षत्र, मैत्र नक्षत्र इसको बोलते हैं। तो ये लोग बड़े खुश मिजाज होते हैं, लोगों के बीच में रहना चाहते हैं, इनको अकेले रहना नहीं पसंद होता है, भीड़ भाड़ अच्छी लगती है इनको। और बहुत ये पार्टी वगैरह में जो लोग खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों के बीच में इकट्ठे होकर के जो काम करते हैं वो सारे लोग मृषला वाले होते हैं। लेकिन इस नक्षत्र की एक कमजोरी भी होती है, चूंकि ये नपुंसक नक्षत्र के अधीन आता है, तो कई बार जो मृषला वाले लोग होते हैं जिनका चंद्रमा मृषला में होता है या लग्न या शुक्र, तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने रिलेशनशिप, अपने जो उनकी ओवरऑल एक्टिविटीज होती है, जो उनका कैरेक्टर होता है, उन सब चीजों को लेकर के थोड़ा संयम रखना चाहिए, क्योंकि उन ऐसे लोगों के बहकने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। वो इसलिए कि मंगल ऊर्जा है ना, मंगल चाहता है, लोगों का साथ चाहता है, उसमें बहुत ऊर्जा होती है। ये सब कुछ शुक्र की राशि में हो रहा है। गुरु है तो गुरु यहाँ पर वो भले ही ज्ञान के ग्रह हैं, बुद्धि के और विवेक के, धर्म के, लेकिन जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो नक्षत्र बड़ा मतलब कि जो बहुत भोग विलास एंजॉयमेंट वाली चीजें होती है ना, उसको करना ये पसंद करता है। तो अब यहाँ पर गुरु भी थोड़े से मंगल के हिसाब से हो जाएंगे, तो थोड़ा सा सबको ध्यान भी रखना रहेगा, ध्यान इस चीज का रखना रहेगा कि जो आपका ज्ञान है, जो आपकी बुद्धि है, वो बहकने नहीं पाए, गलत तरह के क्रियाकलापों में नहीं इन्वॉल्व होने पाए। सिर्फ इतना आपको बचाव करना चाहिए गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन में। बाकी ये सुख सुविधाओं की दृष्टि से और जितने भी धन संपत्ति होती है, परिवार के अंदर की जो खुशियां होती हैं, उस दृष्टि से ये बहुत अच्छा नक्षत्र परिवर्तन है। बहुत से लोगों के लिए विवाह के भी ये योग बना देगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु वृषभ में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि परिवार की राशि होती है, शुक्र की राशि होती है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है गुरु का, शुक्र का और मंगल का, तो मतलब कि अब गुरु शुक्र और मंगल के साथ में मिलकर के काम करेंगे। मतलब यहाँ पर मेजोरिटी जो है वो शुक्र और मंगल की है, तो उन लोगों की ज्यादा चलेगी। मतलब कि गुरु अब थोड़े से यहाँ पर काम तो करेंगे, लेकिन वही है कि जैसे गुरु होता है, टीचर हमेशा तो बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा नॉलेज देता है, लेकिन कई बार उसकी संगति भी थोड़ा सा भोग विलास वाले लोगों के साथ में पड़ जाती है, तो उसको न चाह के भी वो सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे ही गुरु यहाँ पर काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल अच्छा रहेगा सबको। सिर्फ अपने थोड़े से क्रियाकलापों का ध्यान रखना चाहिए कि मतलब गलत तरह का इन्वॉल्वमेंट, अपोजिट जो सेक्स होता है उस तरफ का जो एक झुकाव रुझान होता है, उन चीजों पर थोड़ा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा बहकने वाला नक्षत्र है। ऐसे जो जातक होते हैं इनके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस रहते हैं, तो ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए अलग अलग राशियों के लिए क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, और ये सब कुछ मैं आपको सबके लिए डिटेल्स में बताऊं, उससे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत
थैंक्स बोलती हूँ आप सबके सपोर्ट के लिए। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल जाया करे। और अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप लोग यहाँ पर मंगल के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है ना, ये मंगल का नक्षत्र है। तो जैसे कि मंगल के लिए हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, और मृगशिरा नक्षत्र की जो चीजें होती हैं, मृगशिरा नक्षत्र का जो वनस्पति होता है, तो वो होता है खेर का नाम, आप लोगों ने सुना होगा ना। खेर मतलब कि जो ये एक तरह की वनस्पति होती है जो पान में खाई जाती है, जो लोग पान खाते हैं ना उनको पता होगा कि उसमें खेर लगता है, उसको कत्था बोलते हैं, जो लाल लाल होता है। तो उसको भी आप अपने आसपास रख सकते हैं, मतलब कि उसकी लकड़ी रख लीजिए, उसकी जड़ी बूटी रख लीजिए, या आप उसको ऐसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी खा भी सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि मृगशिरा जो नक्षत्र है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। या इसका आर्टिकल अपने पास रख सकते हैं, कोई चित्र आप इसका अपने पास रख लीजिए। और इसकी योनि जो होती है ना, वो सर्प होती है, तो सर्प होने की वजह से आप जो स्नेक होता है उसकी भी कोई अच्छे से पिक्चर अपने पास रख सकते हैं, जिन लोगों के लिए वृक्षिका नक्षत्र अच्छी स्थिति में है, मतलब कि योग कारक है, मंगल आपका अच्छे से वेल प्लेस्ड है, ये काम आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो वृक्षिका नक्षत्र है ना, ये सभी के लिए वृषभ और मिथुन से जुड़ करके काम करता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा पृथ्वी तत्व राशि में पड़ता है और आधा हिस्सा इसका जो वायु तत्व राशि है। मतलब ये मृगशिरा नक्षत्र व्यक्ति को धन देने में भी सक्षम है और इच्छाओं की पूर्ति कराने में भी बड़ा सक्षम है, दोनों तरह से काम करता है। एक तरीके से इसको दो दो राशियों से इसके संबंध बने हुए हैं, मतलब एक तरफ ये बुध के अधीन होकर के भी काम कर लेगा और दूसरी तरफ ये शुक्र के साथ में भी रह के काम कर लेगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्लेनेट हो जाता है। और योनि आपने इसकी जानी ली है, और जो इसके देवता होते हैं मृगशिरा के, वो होते हैं चंद्रमा। तो यहाँ पर आप चंद्रमा की भी कोई फोटो रख सकते हैं अपने पास, या चंद्रमा के लिए ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, गुरु के मंत्र, चंद्रमा के मंत्र और मंगल के नक्षत्र, मंगल के मंत्र मतलब कि ओम नमः शिवाय, ओम सुम सुमाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और ओम अंगारकाय नमः, या ओम भौमाय नमः, ओम मंगलाय नमः। ऐसे आप करेंगे तो आपको वृषिरा का, गुरु का, चंद्रमा का, ये सारा आपको रिजल्ट अच्छे से मिलेगा। और मंत्र जाप सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है। तो चलिए बताते हैं क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए मेष राशि लग्न वालों के लिए गुरु आपके सेकंड हाउस में मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, ये स्थिति आप लोगों के लिए धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी रहेगी। खूब यहाँ पर आपको पैसे मिल सकते हैं और आपके घर में बहुत सुख सुविधाएं, खुशियां, विवाह की स्थितियां भी यहाँ पर आपके लिए बन सकती हैं। और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा काम जो कि आपके एंसेस्टर से जुड़ करके है, मतलब कि पैतृक संपत्ति हो गई, आपका रिसर्च है, आपका शोध है, आपकी हायर स्टडीज है, या जो आप स्वयं हैं, या पॉलिटिक्स में हैं, या आप किसी भी बड़े पद पर हैं, या आपका काम मार्स से रिलेटेड है, मतलब कि आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, या आप अग्नि से जुड़ करके कुछ काम करते हैं, प्रॉपर्टी है, या आप फूड वाले सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, या आप होटल इंडस्ट्री से जुड़ करके काम करते हैं, फायर ब्रिगेड, मतलब मार्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं या जितने भी क्षेत्र हैं, उन सब लोगों को ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत फायदा करा देगा, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो बहुत मजबूती से रिजल्ट देंगे। तो आपके लिए बड़ा शुभ है, और यहाँ पर आपके लिए खूब खाने पीने के भी अवसर उपलब्ध होंगे, मतलब कि घर में खूब पार्टी होना, विवाह होना और खूब फंक्शन होना, मतलब खुशी वाला जो पूरा माहौल होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर आपका गुरु करवा रहे हैं। धन आप लोगों को अवश्य मिलेगा, और वो धन इस तरह का रहेगा कि जो जैसे LIC है, जो पहले का निवेश किया हुआ पैसा है, वो मेच्योरिटी के फॉर्म में मिल जाए, अचानक से मिल जाए, इन लॉ से मिल जाए, अपने माता पिता से मिल जाए,
और जितने भी लोग डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सब लोगों के लिए भी ये नक्षत्र परिवर्तन बड़े अच्छे और बड़े शुभ रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप लोग इसका फायदा लीजिएगा। मेष वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये नक्षत्र परिवर्तन है। फिर बात करते हैं वृषभ के लिए। देखिए, वृषभ राशि लग्न वालों के लिए आपके लग्न में ही गुरु मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के साथ में क्या होगा कि दो चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। आपके यहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा खर्चे होने के योग बनेंगे। वो जो पैसे खर्चे होंगे या तो आपके हेल्थ के ऊपर होंगे या आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए होंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोगों को यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की सबसे अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो भी आपके अष्टम का और इलेवेंथ का लॉर्ड है, और आपके लगन में आ करके ये मंगल को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब कि आपका 12th हाउस और 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप शुक्र से देखते हैं, मतलब कि लग्नेश शुक्र से जुपिटर की स्थिति और मंगल की, बहुत अच्छा तालमेल लोगों में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में लगन में आकर के ये सब कुछ हो रहा है, तो हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, उसमें दिक्कत आ सकती है। हालांकि आपको पैसे मिलेंगे, पैसे में से कोई कमी नहीं आएगी, पैसे आपको बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन उसी के साथ आपका खर्च जो है वो भी उतना ही होता रहेगा। तो खर्चों का थोड़ा ध्यान रखिएगा और हेल्थ का। आपको फिर भी थोड़ा यहाँ पर उतना अच्छा लाभ जो मिलना चाहिए गुरु का मंगल के नक्षत्र में जाने के बाद वो नहीं मिल पा रहा है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। वृषभ के बाद फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि लग्न वालों के लिए आपका जो 12वां भाव है वहां पर गुरु मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अब ये स्थिति आप लोगों के लिए क्या करा रही है, गुरु आपके 7th और 10th के लॉर्ड हैं, ऑलरेडी वो 12वें से जा रहे हैं खर्चे के हाउस से, और इन्होंने मंगल को एक्टिवेट किया, मतलब कि आपका 6th हाउस और 11th हाउस यहाँ पर एक्टिवेशन में आ रहा है। लग्नेश बुध के साथ में इन दोनों ही प्लेनेट का कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में आप लोगों के साथ में क्या होगा कि आपके पैसे जो है वो अनावश्यक बहुत ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, घूमने पे हो सकते हैं, आपके यात्राओं पर, आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेकर के, या इसी के साथ जितने भी डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, वाद विवाद, मुकदमे, ऐसी स्थितियों के ऊपर भी आपके पैसे खर्च होने के योग बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा भी समझदारी से काम लेंगे तो ये जो खर्चे होने का योग बन रहा है, आप इसको अपने बिजनेस में निवेश कर दीजिएगा, या फिर आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में पैसे को अपने लगा दीजिएगा, तब ये जो अनावश्यक व्यय का योग ये नक्षत्र परिवर्तन कराएगा वो थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं बैलेंस होगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ बचाव करना रहेगा कि जैसे बहुत जरूरी हो तो आप जर्नीज करें, तो आप घूमें, हेल्थ का भी ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मंगल यहाँ पर 6वें का और 11वें का लॉर्ड है, तो 11वें का धन का मालिक होकर के व्यय में जा रहा है, लेकिन अपने हाउस से देते जा रहा है, तो एक ओर ही आपको पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता रहेगा। मतलब आपके पास पैसे तो आते रहेंगे, उसी के साथ साथ पैसे खर्चे भी होते रहेंगे, तो प्रयास करिएगा कि अच्छी चीजों के ऊपर आपके पैसे चले जाएं। और यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है नौकरी से जुड़ करके, जैसे कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए, आप किसी सर्विस में आपका ट्रांसफर हो जाए, या आपका जो जॉब है उसमें किसी तरह का परिवर्तन हो जाए, स्थान परिवर्तन के भी ये संकेत कर रहा है, चाहे बिजनेस में चाहे नौकरी में। तो जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो फिर भी थोड़ा सा ये सपोर्ट कर देगा, अदरवाइज यहाँ पर करियर जॉब में चेंजेस भी हो सकता है इस टाइम पीरियड में। आपको ध्यान रखना रहेगा, खर्च का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कर्क वालों के लिए बात करते हैं, तो गुरु मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, गुरु भी योग कारक, मंगल भी योग कारक, ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं 11th हाउस में लाभ के भाव में, और आपका 5th हाउस और आपका 10th हाउस एक्टिवेशन में आ रहा है। बहुत ही एक्सीलेंट पोजीशन है कर्क वालों के लिए, यहाँ पर आपके ढेर सारे काम करवाएंगे गुरु नक्षत्र परिवर्तन करके। सबसे पहले तो जो आपके जॉब में, सर्विस में, बिजनेस में किसी भी तरह के रुकावट, अड़ंगे या एक अवरोध, ब्लॉकेज थी, उसको ये नक्षत्र परिवर्तन दूर करेगा। एक ये अच्छी चीज है, आपको प्रमोशन है, करियर में ग्रोथ है, ये सब कुछ दिलवाएगा, आपके एजुकेशन, बच्चे, आपके जो लव लाइफ है, और जो भी आपके संतान से जुड़े हुए काम है, आपके रिलेशनशिप से जुड़े हुए काम है, उन सब चीजों को भी ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट करेगा। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर संतान के योग बनना, संतान प्राप्ति होना, संतान से सुख मिलना, संतान के जीवन में कुछ अच्छा होना, संतान
कि विवाह के योग बनना, संतान के करियर में जबरदस्त ग्रोथ होना, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। आपके स्वयं के करियर में भी बहुत यहाँ पर लाभ होगा, उछाल देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ये गोचर आपके बच्चों के लिए अच्छा है, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग किसी भी तरह के प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, मतलब कि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, कॉलोनाइजर हैं, मकान का काम करते हैं, लैंड रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए फायदा हो रहा है। पॉलिटिक्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, या कोई भी जमीन से जुड़ करके जो कुछ काम किया जाता है, सभी के लिए बहुत एक्सीलेंट टाइम पीरियड है। प्रमोशन हो सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सोसाइटी में एक अलग पहचान मिल सकती है, पैसे प्राप्त हो सकते हैं, मतलब ढेर सारी खुशियां मिल रही है कर्क वालों के लिए। जितना भी आप अच्छा सोच सकते हैं अपने करियर से जुड़ करके, वो सब कुछ आपको यहाँ पर ये गुरु का नक्षत्र परिवर्तन जो है दिला देगा। और विवाह के भी योग बनेगा, बहुत से लोगों के यहाँ पर लव मैरिज के भी योग बनेंगे, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश हैं और गुरु जो कि आपके भाग्य का मालिक है, उसके साथ में सारा कनेक्शन लाभ भाव में हो रहा, और गुरु वहां बैठ करके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो आपको आपके प्रेम का आपको लाभ मिल जाएगा। मीडिया है, ऑनलाइन की चीजें हैं, बिजनेस रिलेटेड जो कुछ काम होते हैं, या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी ये बड़ा हेल्पिंग हो जाएगा। क्योंकि कर्क वालों के लिए भी काफी शनि चूंकि आपके अष्टम में भी चल रहे हैं, तो कुछ स्थितियों के लिए बहुत दिक्कत वाली चीजें वो बना के रखे हुए हैं, तो ऐसे में गुरु का मंगल के वृश्चिक नक्षत्र में जाना आपको बहुत मदद करेगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा, बहुत ही एक्सीलेंट है आप लोगों के लिए। कर्क के बाद फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि लग्न वालों के लिए गुरु आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मंगल आपके बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, 4th के और 9th के लॉर्ड हो करके मंगल का ये प्रभाव आपको देना शुरू करेंगे गुरु। ऐसी स्थिति में क्या होगा आपके लिए, आपके घर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, चाहे आपका मकान है, आपकी माँ है, आपके घर का सुख है, आपका प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, आपके पिता हैं, आपकी मदर हैं, आपकी यात्राएं हैं, आपके एजुकेशन है, हायर स्टडीज हैं, इन सारी चीजों को निकाल करके ये गुरु लेकर के आएंगे और आपको देंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपको अपने पढ़ाई लिखाई से बहुत फायदा हो रहा है, नौकरी में आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ करके काम करते हैं, खरीदने बेचने का काम करते हैं, या कुछ भी आपका ऐसा काम है जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपकी माँ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ में किसी तरह की हेल्थ वाली दिक्कतें चल रही हों, क्योंकि शनि वक्री शनि आपके चतुर्थ भाव को अभी तक देख रहा है, उसके बाद राहु के भी एस्पेक्ट आपके चतुर्थ भाव में है, तो ऐसे में जब गुरु मंगल को एक्टिवेट करेंगे, कहने का मतलब कि आपका जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो एक मजबूती पाएगा, उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। और वैसे भी ट्रांजिट में जो मंगल है, जब गुरु मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे, तो 27-28 अगस्त तक जो है मंगल भी पहुंच जाएंगे लाभ के भाव में, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा सिंह वालों के लिए बहुत आपको फायदा करा देगा, आर्थिक भी फायदा कराएगा, घर का, पिता का, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा, जितनी भी अच्छी चीजें हो सकती हैं या सरकार से जो जुड़े हुए काम है वो सारे आपके पूरे हो रहे हैं। बहुत एक्सीलेंट गोचर है आपके लिए, इसका फायदा लीजिएगा आप लोग। कन्या वालों के लिए बात करते हैं, तो गुरु आपके नवम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, अब ये मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा सावधानी का ये समय रहेगा, क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत ही अकारक ग्रह होता है, आपके 3rd और 8th का लॉर्ड होता है, और आपका जो लग्नेश बुध है उससे उसकी बिल्कुल भी मैत्री नहीं है। अब गुरु यहाँ पर थोड़े से अनकंफर्टेबल होंगे, मतलब कि अब यहाँ पर आपके जितने भी काम है आपको उसमें थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी, जैसे आपके फादर हैं या आपके एजुकेशन है, आपके स्टडीज है, यात्राएं हैं, उन सब चीजों में एक अवरोध का समय ये रहेगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। पिता के हेल्थ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, या जो आपके आपका लाइफ पार्टनर है वो कोई काम कर रहा है, उसके जो छोटे भाई बहन है, मतलब कि जैसे आपके देवर है, नंद है, उन लोगों के जीवन में भी थोड़े से यहाँ पर अवरोध ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी काम है उसमें आपको यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट देखने को मिलेगी, तो ये सब कुछ थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है, मतलब विषय जो है ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे समय को निकालते हैं। गुरु जो है वो भाग्य में बैठे हैं, भाग्य को एक मजबूती दे रहे थे, लेकिन वो मंगल के कंट्रोल में आ गए, मतलब कि अब आपका 3रा और 8वां भाव एक्टिवेशन में आ गया, तो यदि आप किसी शोध से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे कि आप आपका विषय ही ऐसा है कि जो कि 8th हाउस से रिलेटेड है,
डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, या आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं, या आप मीडिया आर्ट ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके काम कर रहे हैं, वहां पर फिर भी थोड़ी सी रिलीफ आपको रहेगी, मतलब उतना आपको वहां नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पर चीजें आपकी थोड़ी रुकेंगी, अटकेंगी, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखिए अपने फादर की हेल्थ का, या उनकी हेल्थ में दिक्कत होगी, या उनके साथ जो रिलेशन है आपका उसमें थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगी। इस टाइम पीरियड में जो आप यात्राएं भी करिएगा, वहां पर भी पूरी अच्छे से तैयारी करके, मतलब आपको जर्नीज में कोई परेशानी न होने पाए, या आपके साथ कोई अचानक वाली चीजें नहीं होने पाए, इसका भी आपको ध्यान रखना रहेगा। कन्या वालों को थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। कन्या के बाद फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये मंगल के मिश्रा नक्षत्र में जाएंगे तो आपका सेकंड और सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप लोगों के लिए जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, जो सबसे अच्छी चीज देगा, आपको पैसे यहाँ को प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल भी जो है 25-26 अगस्त के आसपास आपके भाग्य भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा। और ऐसे में गुरु का मृगशिरा के नक्षत्र में जाकर के खूब ढेर सारा आपको यहाँ पर धन मिल सकता है। ऐसा धन जो कि आपने सोचा नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू हो सकता है, या जो आपने पहले से कुछ निवेश किया हो LIC के फॉर्म में, या जो भी बॉन्ड वगैरह लेते हैं, इस तरह का आपको पैसा मिल सकता है। जमीन से आपको फायदा हो सकता है, जमीन के अंदर की चीजों से आपको फायदा हो सकता है। जो लोग डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उन लोगों को यहाँ पर बड़ा लाभ हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये गोचर आपके लाइफ पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि उसकी लाइफ में यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये एक अच्छी चीज है तुला वालों के लिए। हर तरह से ये गोचर पैसे लेकर के आ रहा है, मतलब कि बहुत आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। और ये जो आपको पैसों का लाभ होगा, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगा दूर स्थान का भी। दूर का मतलब होता है कि फॉरेन से जुड़े हुए जो क्षेत्र होते हैं, उन सब चीजों को जरिया बना करके गुरु आपको पैसों का लाभ करवा रहे हैं। अच्छा है, काफी अच्छा है आपके लिए। देखिए, यहाँ पर आपका सेकेंड और सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो जिन लोगों की एज अधिक होती है, जैसे कि 60+ हैं, 70+ हैं, या जिन लोगों का जैसे मारक बाधक इस तरह के ग्रहों की दशाएं वगैरह चल रही हैं, ऐसी स्थिति में गुरु का अष्टम भाव में आकर के मंगल के नक्षत्र को एक्टिवेट करना, मतलब कि आपका सेकंड और सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो रहा है, मार्केश बाधकेश आपके एक्टिवेशन में आ रहे हैं। तो जिनकी एज ज्यादा है, या जिन लोगों की हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही है, या कुछ सर्जरी वाली चीजों से जुड़ करके कुछ लाइफ में दिक्कत चल रही है, तो वहां उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। जैसे कि सर्जरी हो सकती है, या हेल्थ के लिए कोई घात हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये धन जरूर दिलाएगा आपको। तुला के बाद फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि लग्न वालों के लिए गुरु बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में जा रहे हैं, आपका लग्न, आपका छठा भाव, ये दोनों ही हाउसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे ये गुरु, सबसे पहले तो आपको ये ताकत देंगे, आपको एक स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपके अंदर जो भी कॉन्फिडेंस में कमी हुई होगी, या जो भी आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत अवरोध बाधाएं रही होंगी, आपके कॉन्फिडेंस में कुछ भी कमी रही हो किसी भी वजह से, या हेल्थ रिलेटेड कोई आपको दिक्कत रही हो, वो सारी चीजें यहाँ दूर होंगी। काफी आप एनर्जेटिक फील करेंगे अपने आप को, आपको यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा, सोसाइटी में आपकी जो अलग पहचान है, आपकी इज्जत शोहरत यहाँ पर बढ़ेगी, नौकरी से आपको यहाँ फायदा हो सकता है। बहुत से वृश्चिक वालों को यहाँ पर नई जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि छठवां हाउस एक्टिवेट हो रहा, लोन वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे वो हो जाएगा आपका। कोई भी आपका लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, वाद विवाद, कोर्ट केस, इस टाइप की चीजें चल रही थी, उसमें भी आपको सफल होने के योग यहाँ पर निर्मित होंगे। तो इस तरीके से देखते हैं, तो वृश्चिक वालों के लिए जो गुरु हैं, जब मृगशिरा में जाएंगे तो आपको हर तरह से ये फायदा दिलवाएंगे। नौकरी से आपको यहाँ पर आर्थिक फायदा हो सकता है, और नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी में एक नया निखार आ सकता है। क्योंकि अभी हो क्या रहा आप लोगों के साथ में, कि जो शनि है, वक्री शनि आपके लग्न से कनेक्शन बनाया हुआ है, तो जहां वो आपको एक और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके काम करवा रहा है, तो लग्न के ऊपर जब भी किसी मैल्फिक प्लेनेट का प्रभाव आता है, चाहे वहां पर वो बैठ जाए या दृष्टि डाल दे, तो वो जो व्यक्ति की हेल्थ होती है, या जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, उसमें वो थोड़ी कमी करता है, दिक्कत देता है। तो ऐसी स्थिति में गुरु का मंगल के नक्षत्र में आना, तो आपके लग्न को ये ताकत दे रहा। लग्न को ताकत का मतलब कि अब आपको नेम फेम डिसीजंस आपके सब बहुत अच्छे होने शुरू होंगे, जो भी मुश्किलें वगैरह होंगी वो सब दूर होंगी। काफी अच्छा है आपके लिए। वृश्चिक के बाद फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। देखिए, धनु राशि लग्न वालों के लिए जो आपके लग्नेश गुरु हैं, वो
छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, अब वो मंगल के नक्षत्र में जाएंगे तो वो आपके फिफ्थ हाउस को सेवन्थ और ट्वेल्थ हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। ऐसे में आप लोगों के साथ में क्या होगा कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आप यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्रैक कर सकते हैं, आप यहाँ पर नई जॉब प्राप्त कर सकते हैं, विदेश से जुड़े हुए आपके ढेर सारे काम यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, जैसे कि वीजा है, फॉरेन सेटलमेंट है, या कुछ भी आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, या जो ऐसे स्टूडेंट है जो फॉरेन जाकर के पढ़ना चाह रहे थे, या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में के लिए आप ट्राई कर रहे थे, इस तरह के काम आपके यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। बहुत से लोगों को यहाँ पर अपने बच्चों से भी कुछ अच्छे इवेंट मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका बच्चा है तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, बच्चा आपका कुछ अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छा कर ले, या वो कहीं बाहर के लिए ट्राई कर रहा था वो सब हो जाए। बहुत से लोगों को यहाँ पर रिलेशनशिप से जुड़ करके भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे, मतलब कि चूंकि लग्नेश ही जा रहा है मंगल के नक्षत्र में, तो इनडायरेक्टली ये आपके लग्न का और पंचम का भी संबंध बन रहा है, तो रिलेशनशिप, प्रेम संबंध, ये सब चीजें भी यहाँ पर डेवलप होंगी और फाइनली उससे आपको फायदा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, क्योंकि ये सारा कुछ जो कनेक्शन हो रहा है जुपिटर ही कर रहे हैं ना, तो जुपिटर आपका लग्नेश है और फोर्थ का लॉर्ड हो करके छठे भाव में कनेक्शन बना रहा है, आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए जो आपका करियर है, प्रोफेशन है, उसमें भी ये ग्रोथ देगा। मतलब कि किसी भी तरह अगर आपके अभी तक जॉब नौकरी में कुछ रुकावट या मन मुताबिक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि राहु केतु एक्सिस आपके टेंथ और फोर्थ में बना हुआ है, तो अब गुरु मंगल के नक्षत्र में जाके आपके करियर को भी बहुत सपोर्ट करेंगे और प्रोफेशन आपका बहुत यहाँ पर मजबूती पा रहा है। और यहाँ पर जो लोग फॉरेन से जुड़े हुए जॉब्स करते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, एमएनसीज है, उन लोगों को भी नक्षत्र परिवर्तन फायदा कर देगा, ओवरऑल काफी अच्छा है आपके लिए। धनु के बाद फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। देखिए मकर राशि लग्न वालों के लिए गुरु आपके 12वें के और तीसरे भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, लग्नेश शनि के साथ में इनका कोई बहुत अच्छा संबंध नहीं है, एक न्यूट्रल संबंध है, ऐसे में ये मंगल के नक्षत्र में जा रहे हैं, वो मंगल जो आपका फोर्थ और लव और 11th का लॉर्ड है, मतलब कि गुरु पांचवें भाव में बैठ करके आपके फोर्थ हाउस को और 11वें 11th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो अब आप लोगों के साथ में क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो तरह से ये नक्षत्र परिवर्तन काम करेगा, एक और आपके जो प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें हैं या आपका जो ओवरऑल फाइनेंस है, आपकी अर्निंग्स है, गेन्स है, वो चीजें यहाँ पर खुलेंगी, मतलब कि लिबरेट, मतलब चीजें मिलेंगी आपको, आपको यहाँ कुछ पैसे मिल सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड आपके काम हो सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन, घर का जो पूरा इंटरनल एटमोसफेयर होता है, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर उससे जुड़ करके रिजल्ट आएंगे, पैसे भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जहां एक और आपको पैसे मिलेंगे तो उसी के साथ आप देखेंगे वो पैसे आपके खर्चे भी होंगे, खर्चे इसलिए होंगे क्योंकि गुरु जो है वो मंगल को एक्टिवेट कर रहे हैं, वो गुरु जो कि खर्चे का मालिक है, यात्राओं का मालिक है, तो यहाँ पर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से आपके गवर्नमेंट से जो जुड़े हुए काम होते हैं उन सब चीजों के कारण से, या आपके जो आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, या आपकी जो एजुकेशन है, या जो आपका रिलेशनशिप है, या जो आपके बच्चे हैं, इन सब कारणों से आपके पैसे भी खर्च होंगे और आपकी जर्नीज भी होंगी, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए जो गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है एक मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा, यहाँ पर इनकम भी होगी साथ में खर्चे भी होंगे, तो आप लोग प्रयास करिए कि जो खर्च आप कर रहे हैं उसको आप इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में करिए, मतलब कि फोर्थ हाउस को मजबूत करने में आप कर दीजिएगा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, व्हीकल, ये सब बनाने में आप अपने पैसे को व्यय कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पैसे जरूर आपके व्यय होंगे, ठीक है। और दूसरा ये करना रहेगा कि गवर्नमेंट से जुड़ करके जो भी काम आपके हैं उसको भी आप यहाँ पर पूरे कर लीजिएगा, कुछ लोगों को हो सकता है कि ट्रांसफर जैसी चीजें भी यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि गुरु यहाँ पर बदलाव को भी दिखा रहा है, और एकादश भाव जो कि गवर्नमेंट से जुड़ करके दिखाता है या प्राइवेट सेक्टर में भी आप हैं तो आपके हायर अथॉरिटी को दिखाता है, तो किसी तरह के चेंजेस को भी ये दिखा रहा है। हाँ, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो लोग कहीं बाहर जाकर के पढ़ना चाहते थे, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा कर देगा, और आपकी मदर के लिए भी गोचर अच्छा रहेगा, उनकी लाइफ में कुछ बदलाव, चेंजेस देखने को मिलेंगे, ओवरऑल आपको एक मिश्रित परिणाम मिलेगा। मकर के बाद फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि लग्न वालों के लिए जो गुरु है आपके चौथे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ये मंगल के नक्षत्र में जा करके जो आपका 10th हाउस है और 3rd हाउस है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप लोगों के साथ में क्या होगा कि जो आपका करियर है, चाहे वो आपकी नौकरी है, बिजनेस है,
या कोई भी आप काम कर रहे हैं उसको ये बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि गुरु भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, लाभ का और धन का ये लॉर्ड है और बैठा हुआ है चौथे भाव में। तो यहाँ पर ये आपको करियर को भी सपोर्ट करेगा, मतलब कि आपकी सर्विस में ग्रोथ हो, पैसे आपको प्राप्त हो, आपका मीडिया है और आर्ट है, ऑनलाइन से जुड़े हुए जो काम है होते हैं, जितने भी ग्लैमर से जुड़े हुए काम है, लिखना पढ़ना सीखना लर्निंग्स या जो भी ट्रांसपोर्टेशन के कार्य होते हैं, इन सारी चीजों को गुरु एक्टिवेट करेंगे और फाइनली उससे आपको फायदा होगा, मतलब नुकसान यहाँ पर आपको नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप अपने पैसों को कुछ निवेश करेंगे, या तो अपने बिजनेस में निवेश आप करने वाले हैं, या आप अपने जो आपकी यात्राएं होती हैं, ऐसी यात्राएं जो कि आपके जॉब से जुड़ करके हो, या आपकी स्टडी से जुड़ करके हो, आपके रिसर्च से जुड़ करके हो, उन सब चीजों के ऊपर कुछ पैसे भी आपके यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। लेकिन फाइनली ये नक्षत्र परिवर्तन आपको करियर में सपोर्ट करेगा, ये एक अच्छी चीज आप लोगों के साथ में हो रही है, क्योंकि जो सारा कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है वो बन रहा है 11th सेकंड का, 3rd का, 4th का और 11th का, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको कहीं ना कहीं पैसे दिलवा रहे हैं, तो अच्छा है आपके लिए। और आप अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम पूरे कर लीजिएगा, और जो लोग पॉलिटिक्स में हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं या रियल एस्टेट में हैं, या आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, ऐसा कुछ है, उन लोगों के लिए भी गुजर बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों के प्रमोशन हो सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ की ओर जा सकता है, आपको नई जॉब मिल सकती है, क्योंकि लग्न में गुरु शनि बैठा है ना, वो भी देख रहा है 10th हाउस को, और ऊपर से ये गुरु ने नक्षत्र परिवर्तन करके आपके अच्छे हाउस को 10th को एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पर बहुत से कुंभ वालों को सर्विस मिलेगी, जो आप लोग थोड़ा परेशान चल रहे थे ना, 7.5 वगैरह चल रही है, तो ऐसे में कुछ लोगों को यहाँ पर जॉब भी मिल सकती है, तो बहुत अच्छा है, प्रमोशन हो सकता है आपको, और कहीं आपको थोड़ी बहुत यात्राएं भी यहाँ मिलेंगी, मतलब कि कुछ प्रमोशन के साथ में जो ट्रांसफर के साथ में जो प्रमोशन होता है, ऐसा कुछ हो सकता है, वर्क प्लेस से जुड़ी हुई कुछ अच्छी इवेंट हो सकती है, करियर ग्रोथ की हो जा सकता है, पॉलिटिक्स में फायदा हो सकता है, नेम फेम मिल सकती है, तो ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए। कुंभ के बाद फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। सॉरी, देखिए मीन वालों के लिए गुरु आपके 3rd हाउस में चल रहे हैं, अब ये मृगशिरा के नक्षत्र में जैसे ही जाएंगे तो आपके भाग्य भाव को और आपके 2nd हाउस को एक्टिवेट कर देंगे, दोनों ही आपके बड़े अच्छे भाव होते हैं, धन और भाग्य, और गुरु बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, और मंगल जो है 27-28 अगस्त को प्रवेश कर जाएंगे आपके 4th हाउस में। अब आप लोगों के लिए क्या होगा कि यहाँ पर आपका यहाँ पर धन बढ़ने वाला है, आपको पिता का बड़ा यहाँ पर साथ और सहयोग मिलेगा, पिता की लाइफ में अच्छा होगा, एजुकेशन से आपको कुछ फायदा हो सकता है, एजुकेशन से जुड़े हुए जो आपके कुछ काम रुके होंगे वो सारे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे, यहाँ पर आप खूब जर्नीस भी करेंगे, मीडिया से, आर्ट से, ग्लैमर वर्ल्ड से, टूर है, ट्रेवल से, ट्रांसपोर्टेशन है, छोटी जो आसपास वाली चीजें होती है ना, जैसे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल से जुड़े हुए बिजनेस होते हैं, उन सब चीजों के माध्यम से आपको यहाँ पर ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत फायदा कराएगा, बहुत लाभ कराएगा, पैसे आपको यहाँ पर खूब मिलने वाले हैं, और कम्युनिकेशन आपके यहाँ पर काफी अच्छी होने वाली है, जो आप स्वयं हैं अभी तक थोड़े से आप डल चल रहे थे, क्योंकि लग्नेश आपका चल रहा था 3rd हाउस में, तो गुरु के लिए 3rd हाउस कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है, लेकिन ये नक्षत्र में जैसे ही चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंट को यात्राएं होंगी और वो आप फाइनली आपके जॉब को भी सपोर्ट करेंगी, मतलब करियर रिलेटेड चीजें आपके यहाँ पर ग्रोथ की ओर जाएंगी, आप जो स्वयं है आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएगा, आपके फादर आपके लिए बड़े सहयोगी हो जाएंगे, पैसे आपको यहाँ को मिल सकते हैं, ये ट्रांजिट आपके भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा, और आपकी बहुत से यहाँ पर विशेष भी कंप्लीट होंगी, बहुत से ऐसे काम आप यहाँ पर करना शुरू कर देंगे जो आपने सोचा नहीं था, मतलब जो कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी वो इस समय पर निकल निकल करके आएंगे, और उससे आपको फाइनली बहुत फायदा भी होगा, आपके फादर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए जो लोग प्रयासरत थे उनके लिए भी गुजर बहुत अच्छा है, मतलब आपकी स्टडीज से जुड़ी हुई कुछ इच्छाएं यहाँ पर पूरी हो सकती हैं, कई बार लोग ट्राई करते रहते हैं ना हायर स्टडीज के लिए और काम नहीं हो पाता है, एंट्रेंस नहीं हो रहा है, एडमिशन नहीं हो रहा, वो सारा आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका पीआर है, वीजा है, सेल्स है, टूर ट्रेवल्स है, और कुछ भी आपका ऐसा काम जो कि किसी के साथ होना था, पार्टनरशिप में जुड़ करके आप कुछ काम करना चाह रहे थे, लिखने पढ़ने वाला कोई काम था, या कहीं बाहर से जुड़ करके कुछ आपके पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटके हुए थे, वो सब भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका भाग्य साथ देना शुरू करेगा, आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है ना, तो ये गुरु यहाँ मिल करके आपको धन भाग्य सब कुछ देंगे,
बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए भी। इस तरह गुरु का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, वृश्चिक में जाना सभी के लिए ऑलमोस्ट अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ वृषभ वालों को, मिथुन वालों को, कन्या वालों को और मकर वालों को थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, मतलब उतना फायदेमंद नहीं हो रहा है, बाकी सभी के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। तो आप लोग अपने गुरु को और मंगल को स्ट्रेंथ दीजिएगा। वो लोग जिनके लिए मंगल योग कारक ग्रह है और जिनके लिए मंगल अकारक ग्रह है, तो वो लोग मंगल का मंत्र जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से क्या होता है कि ग्रहों की शांति होती है। ठीक है, तो कोई ग्रह अगर आपका थोड़ा खराब भी है तो वो अच्छा हो जाएगा, या रिजल्ट खराब दे रहा है, परेशान कर रहा है, तो थोड़ी शांति होगी तो कम तंग करेगा, ऐसे आप समझ लीजिए। और जो शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग आप लोगों को जो कुछ बताया है वहां से आप चेक कर लीजिए, वहां पर आप जाकर के वापस सुन लीजिए कि क्या क्या करके आप इसके अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और मंगल चूंकि बड़ा शुभ नक्षत्र होता है, बड़ा मृदु, बड़ा सॉफ्ट, बड़ा फ्रेंडली नक्षत्र होता है, और ये नपुंसक नक्षत्र भी है, तो यहाँ थोड़ा कुछ चीजों का ध्यान भी रखना रहेगा, क्योंकि ये जो लोग किसी तरह के गलत रिलेशनशिप में होते हैं उन लोगों के साथ में यहाँ पर कुछ गलत तरह की घटना दुर्घटना भी होने के योग बन जाते हैं। क्योंकि जो वृश्चिक नक्षत्र है ना, उसका दो हिस्सा वृषभ में है, और दो चरण उसके वृषभ में है, और दो उसके मिथुन में है। मिथुन जो कि काम त्रिकोण राशि होती है, तो जब भी मिथुन राशि में मंगल है, गुरु है, शुक्र है, इस तरह के जब कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में कई जो गलत घटनाक्रम होते हैं ना, चाहे वो सोसाइटी में हो या घर में हो, कहीं भी हो, इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण होता है। तो ऐसी चीजों से बचाव करने की भी जरूरत रहेगी। ओवरऑल अच्छा है, धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, भोग विलास की दृष्टि से भी ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मंगल के साथ में मिलेंगे, तो मंगल की जो एनर्जी है ना वृश्चिक राशि, उससे प्रभावित हो जाएंगे गुरु, तो गुरु भी यहाँ पर थोड़ा सा बहक सकते हैं, तो उनको भी लोगों को ध्यान रखना रहेगा, मतलब कि अपने एक्टिविटीज का, अपनी मान मर्यादा का, इन सब चीजों का ध्यान रखना रहेगा। बाकी पैसों की दृष्टि से, खुशियों की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से मंगल का, गुरु का मंगल के मिश्र नक्षत्र में जाना अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे इस नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को। हालांकि इसी में मंगल वक्री भी होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि नक्षत्र वही रहेगा तो मंगल को काम तो वही करने रहेंगे ना, थोड़ा सा वहां पर और स्ट्रांगली वो काम करना शुरू कर देंगे। और इसके ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो में भी बहुत शॉर्ट में दिया था, हो सकता है उसको आप लोगों ने नहीं देखा हुआ हो उस वीडियो को, तो उसे भी देख सकते हैं, उस वीडियो को भी देखिए। और आप सबके सपोर्ट के लिए मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। साथ में जो भी नए लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी मिल जाया करे। और फिर मैं कोई वीडियो लेकर के आऊंगी। ओम नमः शिवाय, नमस्ते।